देव उठनी एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में सबसे शुभ और पुण्यदायी मानी जाने वाली एकादशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है, जिसे हरि प्रबोधिनी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी के बीच श्री विष्णु क्षीरसागर में शयन करते हैं और फिर भादो शुक्ल एकादशी को करवट बदलते हैं। पुण्य की वृद्धि और धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले श्री विष्णु कार्तिक शुक्ल एकादशी को निद्रा से जागते हैं। इसी कारण से सभी शास्त्रों में इस एकादशी का फल अमोघ पुण्य फलदायी बताया गया है। देव उठनी एकादशी दिवाली के बाद आती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु निद्रा के बाद उठते हैं, इसीलिए इसे देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। देव उठनी एकादशी पर भगवान के जागने के बाद शादी विवाह जैसे सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसके अलावा इस दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी विवाह का धार्मिक अनुष्ठान भी किया जाता है। देव उठनी एकादशी को क्या न करें? एकादशी पर किसी भी पेड़ पौधों की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी वाले दिन पर बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। एकादशी वाले दिन पर संयम और सरल जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन कम से कम बोलने की कोशिश करनी चाहिए और भूल से भी किसी को कड़वी बातें नहीं बोलनी चाहिए। एकादशी वाले दिन पर किसी अन्य के द्वारा दिया गया भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर मन में किसी के प्रति विकार नहीं उत्पन्न करना चाहिए। इस स्थिति पर गोभी, पालक, शलजम आदि का सेवन न करें। देव उठनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। देव उठनी एकादशी व्रत में क्या करें? देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीपक अवश्य जलाना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन भी करना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन किसी गरीब और गाय को भोजन अवश्य कराना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख से करे विष्णु जी की पूजा। देव उठनी एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए और शंख में गंगा जल भरकर भगवान विष्णु जी का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी। विष्णु जी को चढ़ाए पीले रंग का प्रसाद। प्रबोधिनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी को पीले रंग का प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि भगवान विष्णु को पीले रंग का प्रसाद और फल चढ़ाने पर जल्दी खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। माँ लक्ष्मी की करें आराधना। अगर आप भगवान विष्णु का आशीर्वाद चाहते हैं तो देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। ऐसा करने से धन लाभ होता है और आर्थिक जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती है। तुलसी विवाह का करे आयोजन। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की प्रथा है। इस एकादशी को तुलसी के पौधे और भगवान शालिग्राम का विधि अनुसार विवाह करें। संध्या काल में तुलसी के पौधे पर एक घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से जीवन में सुख संपत्ति और वैभव का आगमन होता है। कच्चे दूध से करें विष्णु जी का अभिषेक। देव उठनी एकादशी के दिन एक लोटा जल में गाय के कच्चे दूध को मिलाकर
भगवान विष्णु का अभिषेक करने से सारे पाप धुल जाते हैं। साथ ही यह उपाय शरीर के रोग दोष को दूर कर सकता है। ऐसी है देवउठनी एकादशी की महानता। तुलसी श्री सखी शिवे पाप हारिणी पुण्य दे, नमस्ते नारदनुते, नमो नारायण प्रिये, नमो नारायण प्रिये, नमो नारायण प्रिये। और इसी के साथ तुलसी पत्र ग्रहण करते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मातस्तुलसी कल्याण गोविंद चरण प्रिये, केशवार्थे चिनोमि त्वां प्रसीद शुभ दर्शने। ओ तुलसी कौन थी? तुलसी पौधा पूर्व जन्म में एक लड़की जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानों राज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी। सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की। भगवान कहने लगे, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वे तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन हैं? उन्होंने पूछा, आप कौन हो जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने रूप में आ गए, पर वे कुछ ना बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, आप पत्थर के हो जाओ, और भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। यह वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। उनके राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा किया जाएगा, और मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। Yeah.
ओ विठले माझे माऊली ये, ये ओ विठले माझे माऊली ये, निघळा वरी करा, निघळा वरी कर ठेवनी वाट मी पाहे, ओ देवा वाट मी पाहे, ये ओ विठले माझे माऊली ये, ये ओ विठले माझे माऊली ये, आलिया गेलिया हाती धाडी निरोप, आलिया गेलिया हाती धाडी निरोप, पंढरपुरी आहे माझा माय बाप, ओ माझा माय बाप, ये ओ विठ्ठले माझे माऊली ये, ये ओ विठ्ठले माझे माऊली ये, पिवळा पीतांबर कैसा गगनी झळकला, विठोबाचे राज आम्हा नित्य दीपवाणी, विठोबाचे राज आम्हा नित्य दीपवाणी, विष्णुदास नामा, विष्णुदास नामा, जीवे भावे ओ वाणी, ओ जीवे भावे ओ वाणी, ये ओ विठ्ठले माझे माऊली ये, अल्ट्रा डिवोशनल के सारे अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाइए।